नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है, वहीं दूसरी ओर पंजाब पुलिस अलग अलग तरीके से उसकी जांच में जुटी हुई है। वहीं पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के राइट हैंड कहे जाने वाले पपल प्रीत सिंह को होशियारपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मदद से पपल प्रीत को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। ऐसे में अमृतपाल सिंह की प्लानिंग को लेकर असली मास्टरमाइंड कहे जाने वाले पपल प्रीत के सीने में कई राज दफन हैं। माना जाता है कि अमृतपाल के भगोड़े घोषित किए जाने के बाद सारी चीजें प्लानिंग करने में पपल प्रीत का एक बड़ा हाथ रहा है। ऐसे में अमृतपाल तक पहुंचने में पपल प्रीत वो सीढ़ी साबित हो सकता है जो पंजाब पुलिस को कामयाबी दिला सकती है। वहीं अब सबसे खास साथी के पकड़े जाने के बाद अमृतपाल सिंह के लिए पुलिस से ज्यादा दिन बच पाना आसान नहीं है। वहीं आपको बता दें कि पपल प्रीत और अमृतपाल को आखिरी बार होशियारपुर में देखा गया था। यहां एक गुरुद्वारे के सीसीटीवी फुटेज में पपल प्रीत नजर आया। बताया जाता है कि यहां एक महिला से उसने किसी गांव का रास्ता पूछा था। यह भी माना जा रहा है कि होशियारपुर में ही अमृतपाल और पपल प्रीत अलग हो गए थे। वहीं सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के हिसाब से आपको बता दें कि पपल प्रीत ने अपने परिवार से संपर्क साधा और इसके बाद पुलिस और उसके होशियारपुर में ही होने का इनपुट उसे मिला, जिसके बाद पंजाब पुलिस और काउंटर इन्वेस्टिगेशन टीम की कार्रवाई में पपल प्रीत को होशियारपुर से दबोच लिया गया। अब उससे पूछताछ की जा रही है। अमृतपाल पर भी पुलिस चारों तरफा शिकंजा कसने की तैयारी में है। पपल प्रीत वह आखिरी कड़ी है जो अमृतपाल तक पहुंचने में काफी मददगार हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि पपल प्रीत का यूं पकड़े जाना वो दिन दूर नहीं जब अमृतपाल भी पुलिस की हाथ होगा, क्योंकि पपल प्रीत वो सब राज जानता है जो अमृतपाल से जुड़े हुए हैं। अमृतपाल के इरादे, अमृतपाल कहां छुपा है, उसकी क्या प्लानिंग थी और आगे वो क्या करने वाला है। लेकिन एक एक बात जो और खड़ी हो रही है, जो सामने आ रही है, वो ये भी है, ये भी हो सकता है कि ये पपल प्रीत का यूं पकड़े जाना अमृतपाल की ही प्लानिंग का कोई पार्ट हो। इस केस से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।